जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। शक्ति भक्ति आध्यात्मिक प्रकृति की ये धरती और इस धरती पर आज हमारे बीच में आचार्य पुष्पदत्त सागर महाराज के शिष्य आचार्य प्रमुख सागर जी यहां पधारे हैं, मैं उनको नमस्तु करता हूं। उनके साथ पधारे सभी संत साधु साध्वी को भी मैं नमस्तु करता हूं। हम सबका सौभाग्य कि पूर्वोत्तर की धरती पर आचार्य प्रमुख सागर जी का सानिध्य, उनका आशीर्वाद, उनका मंगल प्रवचन और उनकी ज्ञान वाणी से हम सबको एक नई दिशा मिलेगी, नई रोशनी मिलेगी, क्योंकि ये संतों की कृपा होती है। जब संत हमें आशीर्वाद देते हैं, और हमारा आप सबका सौभाग्य है कि आचार्य प्रभु सागर जी यहां चातुर्मास कर रहे हैं, और चतुर्मास का हम सब जानते हैं, हमारे आध्यात्मिक हमारी संस्कृति धर्म के अंदर इसका बहुत बड़ा महत्व है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा में केवल मानव की हिंसा को रोकना नहीं, जीव जंतु की हिंसा को भी रोकना, और इसीलिए जैन साधु इस चतुर्मास के चार महीने वर्षाकालीन के अंदर अपना भ्रमण नहीं करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि जब हम चलेंगे तो बरसात में जीव जंतु सड़कों पर ज्यादा रहते हैं, और एक जीव की भी हत्या ना हो, ये विचार अगर दुनिया में किसी में है तो जैन संतों के अंदर। और इसीलिए ये सौभाग्य में मिला है कि हम इस चार महीने तक तप तपस्या, समर्पण सेवा और अपने आत्मा शुद्धि का पर्व भी यह होता है कि इस चार महीने हम साधु संतों के विचारों को सुने, भगवान महावीर के विचारों को आत्मसात करें, और अपनी तपस्या से, अपने तप से अपनी आत्मा को शुद्धि करें। और इसीलिए भगवान महावीर ने कहा था, जो अपनी इंद्रियों को वश कर ले, इंद्रियों को वश आएगा तप तपस्या से,
उसका जीवन हमेशा हमेशा एक तपस्वी जीवन होता है। और इसीलिए जैन साधु संत जब देश में चलते हैं, जहां जहां भी चलते हैं, अपने विचारों से, अपने आध्यात्मिक ज्ञान से अपने ज्ञान और तपस्या की वाणी से हम सबके जीवन को प्रकाशमय करते हैं, हमारे जीवन में उजाला करते हैं, रोशनी करते हैं, जीवन जीने की राह बताते हैं, हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां चुनौतियां से लड़ने का साहस प्रेरणा देते हैं। और इसीलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि इस 4 महीने हम भी तप तपस्या व्रत संयम अपरिग्रह जितने भी जैन विचार हैं, भगवान महावीर के विचार हैं, उनके संदेश हैं, उनके जीवन को आत्मसात करना, जीवन में आत्मसात करना चाहिए। जब भगवान महावीर ने विचार दिए थे, जब दुनिया में उस समय भी हिंसा थी, पशु बल बलि को भी धर्म से जोड़ा जाता था, लेकिन उस समय उस वर्तमान परिस्थिति के अंदर उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, एक दर्शन दिया। आज हजारों वर्ष बाद भी जब हम भगवान महावीर स्वामी के 2550वां दिवस मना रहे हैं, आज दुनिया सहित अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सारी दुनिया मान रही है। दुनिया मानती है कि अगर उस देश में समृद्धि लानी है, खुशहाली लानी है, तो हमें सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलना होगा। मानवता, मानवता की सेवा हमारे जीवन के मूल स्वभाव में होना चाहिए, और यही भारत की संस्कृति है। और इसी संस्कृति और संस्कार के कारण हमने जितनी आपदा चुनौतियां आती है, उस आपदा चुनौतियों को हम हमारी सामूहिक संस्कृति, कार्य संस्कृति, हमारे सामूहिक प्रयास, अपरिग्रह के माध्यम से जनसेवा, मानव सेवा, मानवीय सेवा, ये हमारे जीवन के संस्कार हैं। और इसलिए मैं जब कभी भी जैन संतों के सानिध्य में जाता हूं, तो मुझे भी नई ऊर्जा मिलती है, नई प्रेरणा मिलती है। और जैन संतों के प्रेरणा आशीर्वाद से, उनकी दी ऊर्जा से मैं प्रयास करता हूं कि लोकतंत्र के मंदिर के अंदर हम किस तरीके से मंदिर में बैठकर चर्चा संवाद से विचार विमर्श कर समाज के व्यक्ति का कल्याण कर सकते हैं, देश में प्रगति खुशहाली ला सकते हैं, मानवता के अंदर सत्य अहिंसा का संदेश दे सकते हैं। और मुझे आशा है इस नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी जो इस देश का प्रमुख क्षेत्र है, जहां हर राज्य की अलग अलग विशेषताएं हैं, जहां की प्राकृतिक सुंदरता, जहां की कार्य संस्कृति, जहां की संस्कृति आध्यात्मिक
जनजाति क्षेत्र की कला संस्कृति, यहां के लोगों की कार्य कुशलता, आप देखिए इस धरती में इतना तप तप है कि राजस्थान के हजारों किलोमीटर दूर आकर भी राजस्थान की अपनी संस्कृति, अपना गौरव, अपना इतिहास, अपना स्वाभिमान, शौर्य, लेकिन राजस्थान की संस्कृति है लोगों की सेवा की संस्कृति। जहां भी जाएंगे, जिस धरती पर जाएंगे, भगवान महावीर के विचारों को, भारतीय संस्कृति को साथ लेकर जाएंगे। मानवीय सेवा सबसे बड़ी सेवा मानकर पुण्य का काम करेंगे। जो कुछ भी धन अर्जित करेंगे वह धन समाज के लिए होगा, अपरिग्रह जो कुछ भी है समाज को समर्पित, इस भाव से राजस्थान के लोगों की जीवन संस्कृति होती है, कार्य संस्कृति होती है। और महाराज मैं देखता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर दूर दराज के गांव के अंदर भी राजस्थान के लोग जो पुरुषार्थी हैं, जो मेहनत कश हैं, जिस क्षेत्र में भी रहते हैं वहां उस समाज की सेवा करते हैं, आध्यात्मिक धार्मिक जीवन लोगों का हो इस दिशा में काम करते हैं, उस समाज की सेवा करने का काम करते हैं, अभाव वंचित गरीब लोगों की सेवा करने का काम करते हैं, और कोई भी आपदा विपत्ति आए सबसे पहले राजस्थान के लोग सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ये संस्कृति राजस्थान के लोगों की। मैं पुनः आचार्य जी के चरणों में नमस्तु करता हूं। आपका आशीर्वाद इसी तरीके से मिलता रहे, आपकी प्रेरणा, आपके प्रवचन, आपका ज्ञान हम सबको इसी तरीके से जीवन में रोशनी देता रहे, जीवन की राह बताते रहे, ताकि हम सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को भगवान पे समर्पित करते हैं। यही भाव सबके मन में आए। आप सबने स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।